Good morning, everyone. My name is Mamata Verma. I am assistant professor of commerce from Common College, Sixth. So, continuing with our last lecture, जहाँ पर हमने दो मेथड पढ़े कि किस तरीके से आप अपनी क्लास की अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड था जहाँ पे हमने यूज किया गूगल की शीट का जो ऑप्शन अवेलेबल होता है, और सेकेंड मेथड था जहाँ पे हमने यूज किया गूगल फॉर्म का जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. जहाँ पे गूगल फॉर्म में जब आप रिस्पॉन्सेज निकालते हैं तो वहाँ पर आपकी एक्सेल की जो शीट है वो अवेलेबल होती है, और वहाँ पर आप जो शॉपिंग है और जो आपका प्रेजेंटेशन है उसका यूज करके अपनी अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज मीट अटेंडेंस का एक्सपेंस. तो लेट्स सी इसे कैसे यूज करते हैं. सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पर गए और ब्राउजर पर हमने मीट अटेंडेंस इन गूगल मीट को ओपन किया. तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सटेंशन अवेलेबल है. एक्सटेंशन का बेसिकली मतलब क्या है. एक्सटेंशन का मतलब है कि एक एडेड फीचर आप अपने जो क्रोम का ब्राउजर है उसमें आप ऐड कर रहे हैं. वहाँ पर हमने गूगल मीट अटेंडेंस के ट्रैकर पर क्लिक किया तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि आपने इसको अपने ब्राउजर में ऐड करना है या रिमूव करना है. अब ये देखिए यहाँ पर रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है, इसका मतलब मेरे ब्राउजर में ये ऑलरेडी एडिट है. देखिए मैं अगर यहाँ से इसे रिमूव कर देती हूँ तो दोबारा से मेरे पास ऑप्शन आ गया कि क्या आप इसे अपने ब्राउजर में ऐड करना चाहते हैं. तो मैंने ऐड से क्रोम किया तो ये मेरे ब्राउजर में ऐड हो गया. दोबारा से रिमूव फ्रॉम क्रोम हो गया, क्रोम लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कि मेरे ब्राउजर में ऐड हो चुका है. तो अब मैं अपना आईडी खोलती हूँ और आईडी में मैंने मीट शुरू की. तो मीट शुरू की और मैंने मीट को ज्वाइन किया. अब यहाँ पर देखिए ट्रैक अटेंडेंस का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया. यहाँ पे ये जो ट्रैक अटेंडेंस का जो ऑप्शन अवेलेबल आपको हो रहा है, जनरेट जो हो रहा है, ये गूगल मीट की वजह से नहीं जनरेट हो रहा है. ये जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ योर ब्राउजर, जो क्रोम के ब्राउजर में आपने अपनी एक्सटेंशन को ऐड किया. तो ड्यूरिंग द मीट अगर आप कभी भी अपनी अटेंडेंस खोलना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं कि उसके कौन कौन जो कैंडिडेट्स हैं जो आप मीट है उसको अटेंड कर रहा है, पूरी मीट के ड्यूरेशन में जब जितनी का मीट आपका मिलता है 1 घंटे का 2 घंटे का, उसके दौरान कभी भी आप अपनी अटेंडेंस को ट्रैक करना चाहते हैं, इसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप ट्रैक अटेंडेंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं. ये जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी पूरी लिस्ट को स्क्रोल डाउन करके ऑटोमेटिक स्क्रोल का ऑप्शन अवेलेबल होता है. स्क्रोल करके हर एक ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट की वो जो डिटेल है जनरेट कर देता है. अब मैंने अगर यहाँ पर ट्रैक अटेंडेंस को क्लिक किया तो उसने अटेंडेंस को ट्रैक करना शुरू कर दिया, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी. अब अगर मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूंगी तो वो मुझे रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा. जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए मेरी मीटिंग का नाम आ गया, आपका डेट आ गया, टाइम आ गया, मीटिंग की ड्यूरेशन आ गई, कितने देर तक मीटिंग चली है, टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, और रिपोर्ट मैं यहाँ से जनरेट कर सकती हूँ. देखिए यहाँ से अगर मैं रिपोर्ट पे क्लिक करती हूँ, मैंने ये रिपोर्ट पे क्लिक किया तो पूरी डिटेल इसमें मुझे दे दी कि मीट का नाम क्या था, डेट क्या था, अटेंडेंस चेकिंग कितने बजे शुरू हुई, कितने बजे चेकिंग को स्टॉप किया गया, कितने पर्सन ने अटेंड किया, टोटल मीटिंग की ड्यूरेशन कितनी हुई. और यहाँ पर उसने मुझे रिपोर्ट दे दी कि नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, अटेंडेड ड्यूरेशन और अटेंडेड परसेंटेज. अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड लेस देन 65% ऑफ मीटिंग 0. तो अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हैं कि क्लास में जो बच्चा 80% ऑफ द टाइम जो है प्रेजेंट रहेगा उसी की अटेंडेंस रहेगी, या जो 100% ऑफ द टाइम प्रेजेंट रहेगा उसी की अटेंडेंस रहेगी, तो वो कंडीशन भी यहाँ पर आपकी फुलफिल हो जाती है. तो इससे तो आपकी जो अटेंडेंस है वहाँ पर प्लस जो स्टूडेंट है उसकी पार्टिसिपेशन कितनी रही है इसका भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं. थोड़ा बहुत अंदाजा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर सपोज हो सकता है लेकिन बहुत सारे अवेलेबल हो सकते हैं लेकिन वो मीट ज्वाइन कर ली और लेकिन वो अटेंडिव है या नहीं है, उसके लिए इस प्लेटफॉर्म पे एट प्रेजेंट जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर कुछ चीज अवेलेबल नहीं है. दो इसके लिए बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर से अवेलेबल हैं जहाँ पे आप बच्चे की अटेंटिवनेस को भी ट्रैक कर सकते हैं.
तो ये था हमारा थर्ड मेथड, जिससे से जो हम अटेंडेंस है अपनी मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे और भी चीज़ें अवेलेबल हैं आपको, जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑप्शन को होम डाउनलोड आप इस रिपोर्ट को कर सकते हैं। देन अगर पार्टिसिपेंट के अकॉर्डिंग आपने सर्च करना है तो उसकी रिपोर्ट पर्टिकुलरली आप जनरेट कर सकते हैं। माई रिपोर्ट में अगर मैं क्लिक करती हूँ तो जितनी भी मीटिंग्स मैंने ली हैं उन सब का वो डिटेल मुझे दे देगा। तो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट अगर मुझे ये देखना है कि मैंने 23rd को जो मीटिंग ली थी उन्हें कितने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, या मैंने 24th को जो मीटिंग ली जो क्लास हुई थी जो जनरेट थे तो उसमें कितने परसेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो वो मैं इस मेथड से प्रूव कर सकती हूँ। तो ये था हमारा लास्ट मेथड जिसमें हम अटेंडेंस ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।